नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स पार्ट 8। जी का मान सभी जगह समान होता है, इसका मान कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। ये ध्यान रखेंगे कि जो ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का मान होता है पृथ्वी पर, वह सभी जगह समान होता है, और इस मान को कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के मान को किसने ज्ञात किया था, तो कैवेंडिश ने किया था। और जी का मान यानी ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो सभी जगह समान होता है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसका मान होता है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल अगर दो पिंड हैं, M1 है और M2 का भार है, अगर M1 और M2 है, अगर दो पिंडों का भार M1 M2 है, तो उनकी त्रिज्या जो होगी उसका स्क्वायर जो होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो इस तरह से F इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपून आर स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है बल का, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये दिमाग में आप रखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। g इक्वल टू g माइनस एम डब्ल्यू स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2। ये सारे जो फॉर्मूले हैं इनका जो एक्सप्लानेशन है यानी कि जो इनका कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लानेशन नाम का जो प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। उसमें इन सारे सूत्रों का जो कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लानेशन है वो वहाँ डाला हुआ है, वहाँ पे उसका प्रूफ है, आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? विषुवत रेखा को बोलते हैं। जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा होता है अक्षांश के बीच में, उसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। जी का मान जो होता है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर कम होता है, न्यूनतम होता है, ये दिमाग में आप रखेंगे। और अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वाले मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे इसका प्रूफ है। जितने भी पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के केंद्र पर क्या गुरुत्वाकर्षण का मान होगा, इन सारे चीज़ों का वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अभी जो है एग्ज़ाम जो है उस हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया है कि जी का मान जो होता है पृथ्वी और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा जो है वहाँ पर न्यूनतम होता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर महत्तम होता है। जो पृथ्वी का ध्रुव हो गया यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे जो जी का मान होता है वो ज़्यादा होता है, महत्तम होता है, अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर यानी पृथ्वी के अंदर जाने पर जो होगा जी का मान घटेगा। ठीक है, तो सॉरी, सतह से नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो पृथ्वी का जो जी का मान होगा वह क्या होगा? घटेगा। तो ये दिमाग में आप रखेंगे कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे या फिर पृथ्वी के सतह से नीचे जब हम जाएंगे तो जी का मान हमेशा क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ती है तो जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी का अगर घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखेंगे कि पृथ्वी जितनी तेज घूमेगी जी का मान उतना कम होते जाएगा, पृथ्वी जितनी धीमी गति से घूमेगी जी का मान उतना बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में आप सेट कर लेंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। ठीक उसके उल्टा हो गया कि पृथ्वी का घूर्णन गति अगर बढ़ेगा तो जी का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहाँ पे जी का मान शून्य होता है। ये दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होगा वह शून्य होगा। पृथ्वी का जो केंद्र यानी कि बीचों बीच जो होगा पृथ्वी का केंद्र क्या होगा? पृथ्वी का सिर्फ एक होगा, तो उस केंद्र पे जो जी का मान होगा वह शून्य होगा। ये दिमाग में आप सेट कर लेंगे। वी नॉट को कक्षीय वेग बोला जाता है, रूट टू इंटू वी। कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वाला जो मेरा वीडियो है उसमें यह सूत्र किस तरह से आया है, ये फॉर्मूला किस तरह से आया है, वो चीज़ दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं।
यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को, यानी कोई उपग्रह है उसके कक्षीय वेग यानी कि जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है को √2 गुना अगर बढ़ा दिया जाए, यानी √2 गुना मतलब 41% अगर बढ़ा दिया जाए, तो वह अपनी कक्षा को छोड़ करके क्या हो जाएगा, पलायन कर जाएगा, यानी कि अपनी कक्षा को छोड़ देगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आते हैं कि जब यदि कोई उपग्रह हो और वो अपनी कक्षा में घूम रहा है, अगर उसकी कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो आप एक दिमाग में रख लेंगे कि 41% बढ़ा दिया गया, √2 का मतलब हो गया कि 41% बढ़ा दिया गया, तो इस तरह से वह क्या करेगा कि अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा। ये दिमाग में एकदम रख लीजिएगा कि v नॉट इक्वल टू होता है √2 × v, और √2 गुना यानी 41% अगर किसी कक्षीय वेग को बढ़ा दिया जाए, तो वह क्या करेगा कि अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है या यूनिवर्स है उसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, हमारी पृथ्वी पर ही गुरुत्वाकर्षण है, या जो अन्य ग्रह हैं या फिर जो भी प्लैनेट हैं उन पे जो है गुरुत्वाकर्षण है, तो सबके गुरुत्वाकर्षण का मान अलग अलग होता है। तो इस तरह से जो ब्रह्मांड है, यानी कि अगर हम किसी ग्रह पे नहीं है ब्रह्मांड में, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, तो वहाँ पे भारहीनता की स्थिति हो जाती है। वैसे हम जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो m × g होता है, m × gf होता है, तो इस तरह का गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे फोर्स नहीं लगता है, जिसकी वजह से जो कृत्रिम उपग्रह होता है अगर उसके अंदर कोई रहता है तो तैरता रहता है। आपके जो शरीर होंगे या फिर कोई भी आपका जो सामान होगा कृत्रिम उपग्रह के अंदर, वो तैरेगा उस उपग्रह के अंदर, तो इसीलिए भारहीनता की स्थिति वहाँ पे महसूस होती है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट होता है। जो पृथ्वी है उसके अति निकट चक्कर लगाने वाले यानी 36,000 जो मीटर होता है, 36,000 किलोमीटर जो होता है उसके ठीक अंदर, यानी कि ज़्यादा 36,000 भी नहीं बोल रहे हैं हम, 200-300 किलोमीटर के अंदर अगर कोई पृथ्वी के उपग्रह को चक्कर लगा रहा है, तो उसका जो परिक्रमण काल होगा वह 84 मिनट का होगा। यह दिमाग में आप सेट कर लेंगे। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं एग्जाम में कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह होंगे उनका परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। इन सारे वीडियोस को, इनका कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन जो है आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे ये हुआ। परिक्रमण काल t = 2π r/v0 होता है। परिक्रमण काल का जो फॉर्मूला होता है किसी भी उपग्रह का, वो 2π r, यानी 2π r क्या हो गया, आपका जो परिधि हो गया उस उपग्रह का वो हो गया, और v0 मतलब कक्षीय वेग हो गया। तो जो आपका 2π r v0 हो गया वो 2π re+h/v0 उपग्रह का परिक्रमण काल भी उसके द्रव्यमान पर न निर्भर होकर पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये दिमाग में आप सेट कर लेंगे कि उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ये जो दिमाग में रख लीजिएगा कि द्रव्यमान का कोई महत्व नहीं रह जाता है अगर कोई उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, तो वह उसके पृथ्वी से ऊंचाई पे डिपेंड करता है कि पृथ्वी तल से वह कितनी ऊंचाई पे है, उसका परिक्रमण काल उस पे डिपेंड करता है। उपग्रह विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह होते हैं वह विषुवत रेखा जो पृथ्वी का होता है उससे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये दिमाग में सेट कर लेंगे कहाँ से, तो विषुवत रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अब हम लिफ्ट को देखते हैं। ये लिफ्ट से संबंधित जितने भी यहाँ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसका भी कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जब लिफ्ट त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब कोई लिफ्ट है उसमें त्वरण है ए और उसके साथ वह ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट में जो स्थित पिंड होगा, यानी कोई व्यक्ति हो गया या कोई सामान हो गया या कुछ भी हो गया जो लिफ्ट में रखा हुआ है, तो उस पिंड का जो भार होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ये दिमाग में आप सेट कर लेंगे कब, जब लिफ्ट त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर जाती है तब भार उसका बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है कि जब लिफ्ट त्वरण ए के साथ नीचे की ओर आती है, यानी कि जब लिफ्ट उसी त्वरण के साथ नीचे आती है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। यानी जब नीचे आएगा ए त्वरण के साथ लिफ्ट, तो उसके अंदर जो पिंड होगा उसका भार घटा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से, यानी त्वरण का मान यहाँ 0 हो जाएगा, ऊपर या नीचे जाती है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दिमाग में आप सेट कर लेंगे कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है
तो उस समय लिफ्ट में जो स्थित पिंड होता है उसका भार जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही वह भार बढ़ता है और ना ही वह भार घटता है, वह भार जो भी रहेगा वही भार उसमें रहेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा कि कोई भी जो पिंड अगर लिफ्ट के अंदर है उसमें कोई त्वरण नहीं है यानी जीरो है, तो वह एक समान वेग से अगर गति कर रही है ऊपर या नीचे, तो उस पिंड में जो भार होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो उसका भार होगा वही भार रहेगा। ये दिमाग में सेट कर लेंगे आप। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, अर्थात पिंड का भार शून्य हो जाता है और यही भारहीनता की स्थिति है। यदि नीचे उतरता है लिफ्ट तो उस समय अगर उसकी डोरी टूट जाती है नीचे उतरते समय, तो मुक्त पिंड की भांति वह नीचे गिरती है। कौन? लिफ्ट। तो जब लिफ्ट मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेगी तो पिंड जो होगा उसके अंदर उसका जो भार होगा वह शून्य हो जाएगा, और यह जो होता है भारहीनता की स्थिति कहलाती है। ये दिमाग में आप सेट कर लेंगे। और जो लिफ्ट गिरेगी नीचे वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गिरेगी, और इस कारण जो अंदर उसके पिंड होगा उसको भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि लिफ्ट नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें गुरुत्वीय त्वरण था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसमें जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो गया। लिफ्ट जब नीचे गिर रहा है तो उसकी गति गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो गई, तब लिफ्ट में जो पिंड होगा वह फर्श से उठ करके छत से टकरा जाएगा। दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप कि जब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा की रफ्तार से लिफ्ट नीचे गिरेगी तो उसके अंदर जो पिंड होगा वह फर्श को छोड़ करके उसके छत के फर्श से टकरा जाएगा, यानी कि जो पिंड है वह ऊपर वाले जो भाग है पिंड का लिफ्ट का उससे जाकर के वह टकरा जाएगा। तो ये दिमाग में आप सेट कर लेंगे। इस तरह से आपके लिफ्ट से क्वेश्चन आते हैं। यदि पृथ्वी की चाल अपनी वर्तमान चाल की 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है कि यदि पृथ्वी की चाल अपनी वर्तमान चाल से 17 गुनी अधिक हो जाएगी तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या होगा? तो शून्य होगा। ये दिमाग में सेट कर लेंगे। कब होगा? जब पृथ्वी अपनी चाल के जो है जो अपनी वर्तमान चाल है उसकी उससे 17 गुनी अधिक हो जाएगी, यानी जो अभी चाल से घूम रही है अगर उससे 17 गुनी अधिक चाल से पृथ्वी घूमने लगती है तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का जो भार होगा वह शून्य हो जाएगा। भार जो फॉर्मूला होता है इसका, भार को हम लोग वेट भी बोलते हैं, बल यानी कि m × g। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार हमेशा शून्य होता है। पहले भी हम देख चुके हैं कि केंद्र पर जो पृथ्वी पे जो कोई पिंड है तो उसका भार जो होगा वह शून्य हो जाएगा। भार जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। इसको मापा जाता है कमानीदार तुला से। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भार को किससे मापा जाता है, तो भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। ये दिमाग में सेट कर लेंगे आप कि भार जो है उसको हम कमानीदार तुला से मापते हैं। यह एक सदिश राशि है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। आप ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में आता है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप से भी आता है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पिंड है अगर वो पृथ्वी पे है तो उसका अगर भार 600 किलोग्राम है तो वह अगर चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार हो जाएगा 100 किलोग्राम। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी पिंड का जो भार होता है उसका 1/6 गुना चंद्रमा पर उसका भार हो जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से 81.5 गुना लगभग अधिक है। तो ये भी दिमाग में आप सेट कर लेंगे कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है यानी पृथ्वी का जो द्रव्यमान हमारा है चंद्रमा से 81.5 गुना अधिक है। ये दिमाग में आप सेट कर लेंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 81.5 गुना अधिक है। उपग्रह का कक्षीय चाल भी नॉट उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई h पर निर्भर करती है। k जितना अधिक होगा वी नॉट उतना ही कम होगा। तो ये दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा कि जो उपग्रह होता है उसका कक्षीय चाल जो होता है पृथ्वी तल से ऊंचाई यानी h पर निर्भर करता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है पृथ्वी तल से।
ना कि उसके द्रव्यमान पे उपग्रह का डिपेंड करता है, यानी उपग्रह का द्रव्यमान कुछ भी हो उस पे कक्षीय चाल डिपेंड नहीं करता है। उपग्रह का कक्षीय चाल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर डिपेंड करता है। जितना अधिक होगा के का मान, वी नॉट भी उतना ही अधिक होगा। इससे संबंधित एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो कक्षीय चाल जो है उसका फॉर्मूला होता है RE√g/RE+h। वी नॉट कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मैंने पहले भी बताया है कि कक्षीय चाल जो होता है किसी भी उपग्रह का पृथ्वी के चारों तरफ अगर घूम रहा है तो वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। एक ही त्रिज्या का कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रहों की चाल समान होगी, कारण कि उपग्रह की चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि एक ही त्रिज्या की कक्षा में विभिन्न भिन्न द्रव्यमानों के जो उपग्रह की चाल जो होगी वह समान होगी, कारण कि उपग्रह के चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तुल्यकालिक या भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। ये दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुल्यकालिक या भूस्थिर उपग्रह जो होता है, जो 36,000 किलोमीटर के रेंज में होता है, उसका जो परिक्रमण काल होता है वह कितना होता है? तो वह 24 घंटा होता है। ये आप दिमाग में सेट कर लेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग 4 गुनी अधिक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है वह चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वह चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग 4 गुनी अधिक है। ये दिमाग में सेट कर लेंगे कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 4 गुनी अधिक है चंद्रमा की त्रिज्या से। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर/सेकेंड होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। यदि कोई वस्तु को हम पृथ्वी तल से 11.2 किलोमीटर/सेकेंड के रफ्तार से फेंकेंगे, यानी कि उसको ऊपर की तरफ अगर हम फेंक रहे हैं, तो वह पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा, और इसी को हम पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर/सेकेंड होता है। सूर्य के लिए जो पलायन वेग होगा उसका 42 किलोमीटर/सेकेंड होगा, और चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग का मान होगा वो 2.37 किलोमीटर/सेकेंड होगा। ये दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा कि पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर/सेकेंड, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर/सेकेंड, और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर/सेकेंड होगा। दिमाग में तीनों सेट कर लीजिएगा, पृथ्वी 11.2 किलोमीटर/सेकेंड, सूर्य 42 किलोमीटर/सेकेंड, चंद्रमा 2.37 किलोमीटर/सेकेंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होने के कारण वायुमंडल नहीं टिक पाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का रीजन यही है कि वहाँ पे 2.37 किलोमीटर/सेकेंड जो है पलायन वेग का मान है, और यह वायुमंडल के रहने के लिए जो है सही नहीं है। इसीलिए चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान कम होता है, जिसके कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं टिक पाता है। पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है V=√2gr होता है। आर पृथ्वी की त्रिज्या है। मेरा प्लेलिस्ट कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से है। पलायन वेग का वैल्यू आप एक बार फिर से याद कर लेंगे कि 2gr का रूट, r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, p यानी प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है दाब। तो दाब का जो फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, इस तरीके से P=F/A होगा। और हम लोग पहले यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में इसका विमा कैसे निकालेंगे ये भी देख चुके हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो भी देख चुके हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, जिसे कि हम प्रेशर, फोर्स और एरिया कहते हैं। तो P=F/A इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और इसका यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व जितना अधिक होगा उसका दाब किसी गहराई पर उतना ही अधिक होगा। तो ये भी दिमाग में आप सेट कर लेंगे कि जो दाब होता है वह द्रव के किस पे डिपेंड करता है? तो घनत्व पे डिपेंड करता है। घनत्व जितना अधिक होगा उसका दाब यानी द्रव का दाब गहराई पर उतना ही अधिक होगा। तो ये समझ लेंगे कि आप कि दाब जो होता है वह द्रव के घनत्व पे डिपेंड करता है, और द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा गहराई पर उसका दाब जो होगा उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर आधारित है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोलिक प्रेस जो है वह भी पास्कल सिद्धांत पर आधारित है,
हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो भी पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। पास्कल कौन थे? पास्कल एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने कुछ सिद्धांत दिया था और उसी के अनुसार जो है ये सारे मशीन काम करते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। तो ये दिमाग में आप सेट कर लेंगे कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, यानी गर्म करने पर कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका आयतन बढ़ता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक, यानी गलनांक का मतलब हो गया कि जो वो गलने की उनकी क्षमता है वह बढ़ने लगती है, यानी जितना दाब हम बढ़ाएंगे वो उतना ही तेज़ी से गलेगा, तो उसका जो गलनांक होगा वो बढ़ेगा, और जब गलनांक बढ़ेगा तो वह क्या होगा? पिघलेगा। तो इस तरीके से जो मोम और घी है उसका दाब बढ़ाने पर वो पिघलना, सॉरी, उसका उसे गर्म करने पर वह पिघलना शुरू हो जाता है, यानी दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, यानी गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ने लगता है। इसी तरह से गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, यानी कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटना शुरू हो जाता है, अगर उनमें हम दाब बढ़ाएंगे तो उनका गलनांक घटना शुरू हो जाएगा, यानी कम होना शुरू हो जाएगा, जैसे बर्फ। अब बर्फ को क्या है कि जब दो बर्फ को ले करके हम एक दूसरे से चिपका करके जब उस पर दाब बढ़ाते हैं, यानी दोनों हथेलियों से जब दो बर्फ के टुकड़ों को लेकर के एक दूसरे से चिपकाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, यानी एक बर्फ बन जाता है, यानी जम जाता है। तो ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जिन पदार्थों यानी जिन चीज़ों का गर्म करने पर उसका आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये दिमाग में आप सेट कर लेंगे कि अगर वह जो है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम हो रहा है, तो गर्म करने पर इन पदार्थों का जो आयतन होगा वह घटेगा। तो ये दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, इस तरीके से गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटेगा, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घटेगा। और इसमें बर्फ मुख्य रूप से आता है, ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप दिमाग में रखेंगे। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब जब कम होता है तो जो वायुयान होता है उसमें अगर कोई यात्री बैठा हुआ है तो उसके फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाता है। क्यों? क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो प्रेशर जब कम हो जाएगा, तो जिस प्रेशर के कारण उस रिफिल में स्याही था वो प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया तो अब वो बाहर की तरफ निकलना शुरू कर दिया, इस तरह से स्याही क्या होता है? रिसने लगता है। तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि स्याही जो है वायुयान में रिसता क्यों है, तो वायुमंडली दाब जो होता है पृथ्वी से ऊंचाई पे जाने में कम होने लगता है, जिसकी वजह से यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही जो होती है वह रिसने लगती है। बैरोमीटर आपने देखा होगा, बैरोमीटर क्या करता है? वह वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए जो यंत्र बनाया गया है वो बैरोमीटर है, और बैरोमीटर के में जो पारा होता है, बैरोमीटर में पारा भरा हुआ रहता है, तो वह अचानक अगर नीचे गिरने लगता है तो क्या होता है कि आंधी तूफान आने की संभावना होती है, वह दर्शाता है कि आंधी तूफान आने वाला है। इसीलिए बैरोमीटर जो है उसके द्वारा हम मौसम को भी बता सकते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो अचानक अगर वह गिरने लगा तो आंधी तूफान होगा, अगर पारा जो है वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा तो इसका मतलब होता है कि दिन साफ होगा, अगर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा पारा तो वर्षा की संभावना हो जाती है। ये दिमाग में सेट कर लेंगे, ये तीन क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप दिमाग में सेट कर लेंगे कि अचानक अगर वह गिरने लगे पारा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरने लगे तो वर्षा की संभावना, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे तो दिन साफ होगा। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? तो वॉन ग्यूरिक ने की थी। दिमाग में सेट कर लेंगे आप कि वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना जो की थी वो एक साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम वॉन ग्यूरिक है। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना वॉन ग्यूरिक ने की थी। एक बार जो यूनिट है वायुमंडलीय दाब को मापने का, बार, तो एक बार में 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि एक बार बराबर जो होता है वह 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब एक बार के कई बराबर हो वायुमंडलीय दाब जो होता है वह एक बार के बराबर होता है। ये दिमाग में सेट कर लेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है उसका जो वायुमंडल है उसका जो दाब है वह एक बार के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब कि 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पहाड़ों में खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुमंडलीय दाब अगर कम हो जाएगा तो पहाड़ों में जो खाना होता है
वह बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। क्यों होती है? जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो क्वथनांक जो होगा वह घट जाएगा। अगर क्वथनांक घट जाएगा तो खाना बनाने में क्या होगी, कठिनाई होगी। आप प्रेशर कुकर के उदाहरण से समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर में जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें जो दाब होता है वो बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण क्वथनांक अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पकता है। अब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो क्या होगा, क्वथनांक भी कम हो जाएगा। और जब क्वथनांक कम हो जाएगा तो क्या होगा, खाना पकाने में कठिनाई ही होगी ना। उत्प्लावकता का सिद्धांत सर्वप्रथम अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावकता का जो सिद्धांत है उसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। उत्प्लावकता जो है, जो पानी होता है उसमें तैरने से संबंधित है, यानी कि उससे संबंधित है, पानी में किसी वस्तु के उत्प्लावन से संबंधित है। तो उत्प्लावकता का जो सिद्धांत है उसको सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था इस चीज़ का, वह एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आर्किमिडीज था, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। वस्तु का वजन यदि ज़्यादा हो और वस्तु द्वारा विक्षेपित द्रव का वजन जो है वह कम हो तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप कि वस्तु का वजन ज़्यादा है और वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का वजन कम है तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। यदि वस्तु का वजन जो है वह वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के बराबर है तो क्या होगा, वस्तु डूब कर तैरेगा। वस्तु का वजन जो है वो वस्तु द्वारा विस्थापित अगर द्रव के वजन के बराबर है तो वस्तु डूब कर तैरेगा। यदि वस्तु का वजन कम है और वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का वजन ज़्यादा है तो क्या होगा, वस्तु सतह पर तैरेगी। दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा कि वस्तु का वजन कम, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का वजन जो ज़्यादा होगा तो वस्तु सतह पर उसके क्या होगी, तैरेगी। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ये मैंने पहले यूनिट एंड डायमेंशन में चैप्टर में सिद्ध करवाया है, इसकी विमा वगैरह भी मैंने बताई है। तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है, वह किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो क्यूब होता है, क्योंकि आयतन का जो होगा वो क्यूब होगा। तो इसलिए आपका जो घनत्व है द्रव्यमान बटा आयतन, और इसका एसआई मात्रक जो होगा घनत्व का वह हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का कंपैरिजन होता है, यानी कि वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ये आपको आपेक्षिक घनत्व होता है। इस तरह से दिमाग में रखेंगे। और आपेक्षिक घनत्व जो होता है वह यूनिट लेस होता है, यानी कहने का मतलब कि इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप वो टिक कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व जो है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व होता है, और यह यूनिटलेस यानी कि इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसे हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को मापने का एक यंत्र है जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। तो आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो वह द्रव में तैरती है जैसे लोहा पारे में तैरता है। यानी जब वस्तु का जो घनत्व होगा, मान लीजिए कोई वस्तु है उसका एक घनत्व है, तो उसका घनत्व यानी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, यानी वस्तु का घनत्व कम हो गया और द्रव का घनत्व ज़्यादा हो गया, तो वस्तु जो होगा वह द्रव में तैरेगा। जैसे कि लोहा पारे में तैरती है, तो लोहा का जो घनत्व है वह कम है और पारे का घनत्व अधिक है, तो इसीलिए जो लोहा है वह पारे में क्या होता है, तैरता है। और ये चीज़ दिमाग में आप सेट कर लेंगे। और दूसरी चीज़ आप सेट करेंगे कि आपेक्षिक घनत्व को हम किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तरल फ्लूड के अंतर्गत द्रव और गैस आता है। तरल यानी जो हम लोग फ्लूड बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, द्रव आता है जो तरल होगा, और उसके अंदर गैस आएगा, तरल में गैस भी आता है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, अतः तैरना आसान होता है। समुद्री जल का घनत्व क्यों अधिक होता है, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। और जब समुद्री जल का घनत्व अधिक होगा तो उसमें तैरना आसान होगा। शुद्ध जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। शुद्ध जल का घनत्व भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। दिमाग में सेट कर लेंगे कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है शुद्ध जल का घनत्व होता है, 10 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये भी सेट कर लीजिएगा दिमाग में कि
या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा या फिर 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। दिमाग में सेट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका कितना आयतन जो होता है वह पानी के ऊपर रहता है। तो 1/10 भाग जो आयतन होता है वह पानी के ऊपर रहता है, यानी एक भाग सिर्फ ऊपर रहेगा, बाकी जितने भी भाग होंगे उसके 10वां भाग जो नीचे रहेगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। बर्फ का घनत्व जो होता है वह 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये दिमाग में सेट कर लेंगे। दूध की शुद्धता को हम लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। जो दूध होता है अगर उसकी शुद्धता मापनी हो तो हम लैक्टोमीटर नामक यंत्र से उसकी शुद्धता को माप सकते हैं कि दूध में कितना पानी है और कितना दूध है, ये लैक्टोमीटर से माप सकते हैं। तो देखिए, जहाँ बर्फ का सवाल है तो वह पानी में तैरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसीलिए जो है बर्फ का 1/10 भाग पानी में डूबकर ऊपर तैरते रहता है। ये दिमाग में आप सेट कर लेंगे। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।